आज गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो टॉपिक कर रखे हैं उसमें हमारा न्यूजीलैंड डॉग ऑप्टेक डोमिनेट ट्रेड से हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा जो आ रहा है पीरियोडिक टेबल की रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें समझनी चाहिए पीरियोडिक टेबल होती क्या है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को इट इज लॉन्ग चार्ट, इट इज द लॉन्ग चार्ट इन फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो, इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रो इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर दैट द एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज कम इन, कम्स इन सेम कॉलम और रो, कॉलम और रो में सेम प्रॉपर्टी आए। ये लॉन्ग फॉर्म टेबल होती है। इसके रेस्पेक्ट में हम जो दो मेन टेबल पढ़ने जा रहे हैं, एक टेबल जो होगी मेनली मेनली पीरियोडिक टेबल, एंड सेकंड जो होगी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इस किस्म में चल रही है। मेनली पीरियोडिक टेबल थी उसकी जो बेसिस थी एटॉमिक मास था, और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है इसमें, इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक चल रही है वो उसका जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं और उसके बाद हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। सो हम सबसे पहले समझा रहे हैं मेंडली क्लास, मेंडली क्लासिफिकेशन टेबल। उसके लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी है, एज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सिमिलर properties, properties of elements, similar properties of elements. For this Mendeleev take two most attractive element, that is hydrogen and oxygen. As we know that oxygen and hydrogen are both are the most attractive element, and most of the element are going to react with this element. So he assumed that the compound that form the same formula of oxide are having the same chemical property, and similarly and compound forming the same formula of hydride are also going to have a similar chemical properties. तो इस चीज़ को बेस बनाते हुए उन्होंने हर एलिमेंट को अरेंज किया। देख लेते हैं, मेनली टेक
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट एज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट फॉर्मिंग द सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल हैव सेम प्रॉपर्टी विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम बोथ द थ्री एलिमेंट हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ R2O सो दे ऑल पजेस द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन दिस मैनर ही हैव अजॉइंड सम एलिमेंट दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स दी आर द फॉर्मेट R2O इसका एग्जाम्पल लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड RO की फॉर्मेट में कंपाउंड होगा तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे और RO3 के फॉर्मेट में होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलोगे RO2 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड R2O5 होगा तो सोडियम पेंटा ऑक्साइड इस तरीके से सोडियम ट्राईऑक्साइड SO3 होगा तो सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड इस तरीके से सारे जो कंपाउंड होंगे इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है सिमिलर सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड दे विल ऑल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइन करने से जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी एग्जाम्पल एग्जाम्पल HCl
एग्जाम्पल के लिए एच सी एल एच बी आर एंड एच आई, इन सबके फॉर्मूले जो हैं आर एच ई फॉर्मेट में, आर एच, देयरफॉर दे ऑल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस फॉर्मेट को देखते हुए उन्होंने एलिमेंट के कुछ फॉर्मेट बनाए, जैसे आर एच, इन दिस मैनर मेंडेलीव टेक इन दिस वे मेंडेलीव टेक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द बेसिस टू डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अरेंज द एलिमेंट तो चलते हैं अपने मेंडेलीव अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव If the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass then the element having similar chemical properties repeated after a fixed interval of time or multiplicity is the periodic function of atomic mass of an element periodic table consists of seven period horizontal row, data horizontal rows, horizontal
rope and eight groups at a vertical column. First, Mending periodic table. Is able to define the properties of elements Mendeley periodic table is able to define the property of elements that were not discovered at that time. Example, Ica aluminium. Ica aluminium जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो इसकी प्रॉपर्टी उन्होंने कुछ तरीके बताई थी कि इसका जो मास होगा एटॉमिक मास उन्होंने 6.8 करीब बताया था. डेंसिटी अराउंड 5.9 एंड मेल्टिंग पॉइंट लो कंपाउंड विद क्लोरीन नहीं फॉर्मूला विद क्लोरीन फॉर्मूला विद क्लोरीन ईए Cl3 formula of oxide Ea2O3. जब इका एल्यूमिनियम को खोजा गया तो उसका नाम रखा गया जर्मेनियम. इकालियन खोला गया तो उसका नाम है गैलियम को खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, तो उसकी प्रॉपर्टी निकल के आती है उसका जो एटॉमिक मास है 69.4 के अराउंड है, उसका जो डेंसिटी है वो अराउंड 5.9 CL3 एंड ऑक्साइड Ge2O3. और यहाँ पर हमने क्या देखा कि तकरीबन प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं, तो इस वास्ते क्या हुआ कि उनकी ये एक मेरिट निकला कि उन्होंने उन प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर दिया जो कि एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर ही नहीं हुए थे, बिकॉज एट अ टाइम ऑफ मेंडली ओनली 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर एट अ टाइम ऑफ मेंडली 63 एलिमेंट्स What discover? Second elements that were not discovered also get their position.
ऑल्सो गेट देयर पोजिशन इन द मेंडेलीव पीरियड टेबल इन हिज टेबल व्हेन डिस्कवर्ड व्हेन डिस्कवर्ड सम ऑफ द एलिमेंट की जो जिनके हम नाम यहां पे बताने जा रहे हैं. पहला है इका बोरोन. इका बोरोन इका बो इका मतलब फर्स्ट फर्स्ट बोरोन. इका बोरोन इका बोरोन जब फाइंड किया गया तो उसे स्कैनेडियम के नाम से जाना जाता है. स्कैनेडियम SC. फिर इका एल्युमिनियम. इका एल्युमिनियम इका एल्युमिनियम जो है गैलेनियम. जी एंड इका सिलिकन. इका सिलिकन इका सिलिकन दैट इज जर्मेनियम. इका एल्युमिनियम. इका एल्युमिनियम दैट इज गैलेनियम. गैलेनियम GA. इका इका सिलिकन. इका सिलिकन दैट इज जर्मेनियम. That is equal to G. So that they are also get the position in their table. And properties of the element are going to noble gas. Noble gases. Also a giant in his table. A separate group as they are very less active. As they are very less reactive or hoti nahi reactive. Ye Mayer's thing. Of Mendeleev periodic table. First, it is not able to define the correct position. Correct position to the correct position to the isotopes. यहाँ पे isotope पता है जैसे कि isotope क्या होते हैं जिनका atomic number same होता है लेकिन mass number depend होता है. तो अगर ये isotopes को correct position नहीं दे पाया इसका एक failure ही निकला. क्योंकि अगर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर होते हैं तो उन्हें अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए तो वो एक ही पोजीशन कैसे आ सकते हैं. तो ये एक उनका डिफेक्ट निकला. सेकंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास
रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास के एस्पेक्ट में रॉन्ग ऑर्डर लगाया था। जिस तरीके से जैसा कि पता है एग्जांपल कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 58.9 ग्राम यू, एंड निकिल का जो मास होता है, निकिल का ये होता है 58.7। अगर देखा जाए तो निकिल को पहले आना चाहिए कोबाल्ट से, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपनी टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा एज कम्पेयर टू निकिल, इसलिए एक एनोमली उनकी ये निकली। थर्ड, ही इज नॉट एबल टू अजाइन करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल, ये अपनी टेबल में हाइड्रोजन को करेक्ट पोजिशन नहीं दे पाई, क्योंकि जैसा कि पता है हाइड्रोजन जो होता है हैलोजन ग्रुप से भी रिसेंबल करता है और एल्कली ग्रुप से भी रिसेंबल करता है, तो उन्होंने केवल एल्कली ग्रुप में ही हाइड्रोजन क्यों रखा, इस वजह से हाइड्रोजन को भी डिफाइन हाइड्रोजन की करेक्ट पोजिशन डिफाइन नहीं कर सके। तो इतने सारे एनोमलीज होने के बाद में हमें एक नई पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। तो न्यू पीरियोडिक टेबल जो थी हमारी, उसी जो आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, वो जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल का जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के दिन काफी है। थैंक यू।